बंधन से मुक्त हुए? क्यों हो गए? क्योंकि जो भगवान को हृदय में धारण करके आगे बढ़ता है, वो उसे संसार का कोई भी बंधन बांध ही नहीं सकता। बंधन में कौन है? कौन है बंधन में? आप में से कितने लोग परिवार की जिम्मेदारियों से बंधे हैं? आप में से कितने लोग जिम्मेदारियों से बंधे हैं? परिवार की, बेटा बेटी, बिजनेस, व्यापार, दुकान की, जो बंधे हैं वो हाथ उठा सकते हैं। आप में से कितने लोग बंधे हैं? हाथ उठाओ जोर से। हाँ, पूरा पूरा हाथ उठाओ। क्लियर भैया? आप बंधे हो परिवार से, जिम्मेदारियों से? आप इतने लोग बंधे हैं आगे आगे के। बंधे हो ना? किससे बंधे हैं आप लोग? परिवार से, जिम्मेदारियों से, बिजनेस से, व्यापार से, काम से, धंधे से, है ना? वसुदेव जी भी बंधे थे बेड़ियों में। एक गधा धोबी, उस गधे को लेकर धोबी घाट गया। रोज रस्सी लाता था गधे को बांधने के लिए, फिर वो कपड़े धुलता था। आज धोबी बेचारा गधे को बांधने की रस्सी नहीं लाया, तो गधे को झूठ मूठ का, संत जी ने कहा कि झूठ मूठ का इसे वहीं बांध दे जहां रोज सचमुच का बांधता था। तो धोबी ने आज झूठ मूठ के उसके गले में हाथ डाला, झूठ मूठ का उसको पेड़ से लपेट दिया। अच्छा, गधे को तो पता थोड़ी था कि रस्सी ये भूल गया है। गधा तो रोज जैसे बंधता था वैसे ही क्रिया उसके साथ आज भी हुई। गधे को लगा मैं बंध गया, और पूरे टाइम गधा ये समझता रहा कि मैं बंधा हूं। बताओ, फिर धोबी ने कपड़ा रखा और मारी लाठी, चल तो बढ़े ही ना। संत जी ने कहा भाई उसे खोल दे पहले। धोबी ने बोला महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का नाटक तो किया था, अब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। बताओ गधा बंधा था क्या? जोर से। पर उसने अपने आप को बंधा हुआ, जोर से जोर से, वो गधा बंधा नहीं था पर उसने आपको बंधा, उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया, समझ लिया। उसी तरह आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपकी स्थिति भी उस गधे से अच्छी नहीं है, क्योंकि आप भी तो कह रहे हैं हम बंधे हैं, जबकि आप किसी से नहीं बंधे, आप में से कोई नहीं बंधा, सब मुक्त हैं। आज के आज बुलावा आएगा तो जस के तस जाना पड़ेगा सबको, लेकिन फिर भी आप क्या कह रहे हैं हम तो बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से। बंधे नहीं हैं आप, आपने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया है। आपने अपने आप को बंधा हुआ क्या कर लिया मेरी मां? मान लिया, ये मान लिया आपने, बस बात हो गई। क्यों मान लिया? क्यों माना आपने अपने आप को बंधा हुआ? सच बताओ आप बंधे हो? कोई सच भैया किसी से नहीं बंधा। आप मरोगी, पति दूसरी शादी कर लेगा, तुम्हें झूठ मूठ का ये दिलासा दे रहा है, नहीं हम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, दिन भर आई लव यू बोलता है, दूसरी आएगी उससे भी बोलेगा। कोई किसी से नहीं बंधा, आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे बाद क्या होगा, लोग क्या कहते हैं हमारे बाद क्या होगा, ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे परदादे सब सोचते थे हमारे बाद क्या होगा। देखो सब बढ़िया चल रहा है, उनके बाद भी सब बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही हमारे बाद भी सब बढ़िया चलेगा। जो लोग कहते हैं हमारे बाद क्या होगा, उनसे कहो आप तो आराम से मरो, सब बढ़िया होगा।
इत्मीनान से मरो। किसी के बिना किसी का कोई कार्य रुका है? हाँ या ना? इसलिए कोई भी बंधा हुआ नहीं है, लेकिन आप अपने आप को बंधा हुआ मान रहे हैं। बता दो क्यों मान रहे हैं आप? क्यों मान रहे हैं अपने आप को बंधा हुआ? क्यों आप बताओ, क्यों मानते हैं अपने आप को बंधा हुआ? चलो बताओ, इसका उदाहरण हम देख के समझाएंगे आपको। रस्सी को आप सांप कब समझते हैं? रस्सी को आप सांप कब समझते हैं? जब सामने अंधकार हो, अंधेरा हो। जब अंधेरा होता है तो आप रस्सी को सांप समझ लेते हैं। उसी प्रकार जब आप अपने आप को बंधा हुआ समझ रहे हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि आपके जीवन में अज्ञान है। अंधकार के कारण आपने रस्सी को सांप मान लिया। टॉर्च होती तो आप रस्सी को सांप कभी ना मानते, प्रकाश होता तो आप रस्सी को रस्सी मानते, सांप क्यों मानते? अंधकार में आपने उसे सांप माना। उसी प्रकार अज्ञानवश आपने आपको बंधा हुआ मान लिया आप लोगों ने। मैं बंधी हूं, मैं बंधा हूं, अज्ञान, यही है अज्ञान। इसी अज्ञान को मिटाने के लिए भागवत सुननी पड़ती है। मैं बंधा हूं संसार से, इस अज्ञान को मिटाने के लिए भागवत सुननी पड़ती है। कोई भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ लो, आपको ये ज्ञान नहीं मिल सकता जो ज्ञान संतों के द्वारा सत्संग में प्राप्त होता है, गुरुजनों के द्वारा सत्संग में मिलता है। यही है वो ज्ञान जिस ज्ञान से लोक परलोक सवरता है। इसलिए हमारा ज्ञान जो हमारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का, गीता का श्रेष्ठ उपदेश है। इसलिए ज्ञान की जिज्ञासा रखना सीखो और अपने आप को बंधा हुआ ना मानो। मैं कौन हूं? मुक्त हूं। कौन हूं? कौन हूं मैं? मैं मुक्त हूं। किसी से मुझे कोई बंधन नहीं है। वो तो अज्ञानवश बंधन दिख रहा है। जैसे आप रास्ते में जब चलते हैं ना, सड़क में पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है गर्मियों में, ऐसा लगता है सामने मृग मारीचिका कहते हैं उसे। पानी होता नहीं है सामने मेरी मां, लेकिन ऐसा लगता है कि सामने पानी भरा, पानी है नहीं, लगता ही लगता है बस। उसी तरह जैसे अज्ञानवश आपने मान लिया कि पानी भरा है, जाकर देखा तो है नहीं, उसी प्रकार आपने मान लिया कि मैं बंधी हूं या बंधा हूं। पर जब गहराई से देखोगे तो आप बंधे नजर नहीं आओगे, आप तो मुक्त हो, खुला हो। इसलिए अज्ञान मिटाना है अपना। क्या मिटाएंगे अपना? मैया क्या मिटाओगी मेरी मां? अज्ञान।